विधानसभा चुनावों में नामांकन भरने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान शनिवार को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, जिसमें झालारा पाटन से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेताओं ने नामांकन भरा। आज हम आपको राजस्थान के कुछ बड़े नेताओं की संपत्ति के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 2018 से लेकर 2030 तक के नेताओं की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले बात करते हैं सीपी जोशी के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के पास करीब 3,72,00,000 रुपए की संपत्ति है। वही अगर बात करें उनकी अचल संपत्ति के बारे में तो उनके पास करीब 1,47,000 रुपए की अचल संपत्ति है। बता दें उनके पास एक कार भी है जो 1993 मॉडल की है। सीपी जोशी के बाद बात करते हैं बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी सिद्धि कुमारी के बारे में। बीकानेर पूर्व से भाजपा प्रत्याशी सिद्धि कुमारी की ओर से दिए गए शपथ पत्र के दौरान रोचक जानकारी सामने आई है। बता दें सिद्धि कुमारी 5 साल में करोड़पति से अरबपति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 के शपथ पत्र के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 8,46,97,000 रुपए थी, जो इस बार बढ़कर करीब 1,11,17,00,000 रुपए हो गई है। दरअसल बीकानेर की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सिद्धि कुमारी के नाम हुआ था। उसके बाद बात करते हैं उदयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ और भाजपा से ताराचंद जैन के बारे में। ताराचंद जैन शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि गौरव वल्लभ ने शनिवार को नामांकन भरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी के मामले में देखा जाए तो ताराचंद गौरव वल्लभ से आगे है। ताराचंद जैन की कुल संपत्ति करीब 24 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस के गौरव वल्लभ की संपत्ति करीब 7.53 करोड़ रुपए है। वही अगर दोनों की शिक्षा की बात की जाए तो गौरव वल्लभ CA, कंपनी सेक्रेटरी, PhD से पास आउट है और ताराचंद 12वीं पास है। आखिरी में बात करते हैं राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे के पास करीब 2 करोड़ रुपए के गहने हैं, जिसमें से करीब 1,92,00,000 रुपए का गोल्ड और 11,00,000 रुपए की चांदी की ज्वेलरी है। वही अगर वसुंधरा राजे की संपत्ति की बात करें तो 2018 के अनुसार राजे के पास करीब 4,53,00,000 रुपए थे, जो अब बढ़कर करीब 5,50,00,000 रुपए हो गए हैं। तो ये थे राजस्थान के कुछ प्रमुख नेता जिनकी संपत्ति के बारे में हमने आपको बताया कि 2018 से लेकर 2023 तक इन नेताओं की संपत्ति कितनी बढ़ी। अगली बार फिर मिलूंगी नेताओं से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।